वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले को खत्म हुए दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस अब तक यह मानने को तैयार नहीं है कि टीम इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जा चुकी है। यही कारण भी है कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिनमें टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में चीटिंग के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस का एक तबका इस तरह के दावों को सही मानकर खूब शेयर कर रहा है। इसी तरह का एक दावा रोहित शर्मा के विकेट से जुड़ा हुआ भी है। दरअसल सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर कुछ अकाउंट्स ऐसी खबरें डाली गई हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा आउट नहीं थे। इन खबरों में यह कहा गया कि ट्रेविस हेड से यह कैच छूट गया था, लेकिन फील्ड से लेकर कई पोर्ट एम्पायर तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन खबरों में ट्रेविस हेड की एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है जिसमें उनके हाथ में गेंद नीचे गिरी हुई नजर आ रही है। यूट्यूब के ये वीडियो अब इंस्टा और फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई है सच है? इसका जवाब नामे है। रोहित शर्मा के आउट होने और ट्रेविस हेड से कैच छूटने के सारे दावे गलत है। इस कैच का वास्तविक वीडियो देखने पर हर किसी को यह साफ हो जाएगा। मैच के दौरान भी कई बार इस वीडियो को दिखाया गया था जिसमें ट्रेविस हेड बड़े स्पष्ट तौर पर कैच लपकते हुए नजर आए थे। इसमें भी कोई अलग मत नहीं होनी चाहिए कि वर्ल्ड कप फाइनल में गेम के हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर हावी रही थी। निश्चित तौर पर गेंदबाजी क्षेत्र रक्षण बल्लेबाजी से लेकर रणनीति तक हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया बेहतर रही थी और यही कारण भी है कि वह चैंपियन भी बनी। यह दावे सिर्फ लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए हो रहे हैं। न्यूज चैनलों के नाम से कई फर्जी अकाउंट यूट्यूब पर होते हैं जो सिर्फ झूठी खबरें चलाकर अपने व्यूज लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। अब चूंकि क्रिकेट को इस देश में पूजा जाता है और वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार किसी को भी पच नहीं रही है, ऐसे में इस तरह के फर्जी दावों पर ज्यादा व्यूज बटोरे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर वीडियो से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।